चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बिलवा बाबू गांव में सड़क के किनारे खेत में हत्या कर फेंके गए प्रॉपर्टी डीलर इंद्राशन निषाद की हत्या का 12 घंटे के भीतर पुलिस ने पर्दाफाश कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 2 एटीएम कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 गले का चैन, घटना में प्रयुक्त कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में पता चला कि मोहरीपुर में शिवम टाइल्स के नाम से दुकान चलाने वाले जिस मित्र को इंद्राशन ने 15 लाख रुपए का टाइल्स दिलाकर व्यापार बढ़ाने में मदद की थी, उसी ने रुपए की वापसी ना करने के लालच में अपने दोस्तों के संग मिलकर ना सिर्फ हत्या की साजिश रची बल्कि अंजाम तक पहुंचाया। आपको बता दें, मृतक इंद्राशन निषाद के दोस्त ने विश्वास में लेकर उससे पहले नौतनवा घर पर बुलवाया, फिर साथ में खाया पिया, फिर हत्या कर फरार हो गए। चारों आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। हालांकि मुख्य आरोपित व्यापारी कन्हैया अभी फरार है। आरोपियों की पहचान गरिया इलाके के रामपुर पोखरा टोला निवासी रमेश उर्फ रोशन पिपराइच के महमूदाबाद निवासी शंकेश रफीक और प्रवीण कुमार उर्फ सचिन के रूप में हुई। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने पकड़े गए आरोपियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शव मिलने के कुछ देर बाद ही चिलुआताल पुलिस ने मृतक की पहचान इंद्राशन के रूप में की थी, जिसके बाद पिता और घर के अन्य सदस्य भी पहुंचकर शव की पहचान किए। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि नौतनवा निवासी कन्हैया शिवम टाइल्स के नाम से चिलुआताल इलाके में दुकान चलाता है और उसे इंद्राशन ने दोस्ती में 15 लाख रुपए का टाइल्स दिलाया था। उसी रुपए को बार बार इंद्राशन वापस करने को कह रहा था, जिसे हड़पने की नीयत से कन्हैया ने ही हत्या की साजिश रची। कन्हैया ने नौतनवा में इंद्राशन को बुलाया और फिर वहीं पर इंद्राशन और कन्हैया साथ खाए पिए। रात 10:30 बजे के करीब इंद्राशन वापस आने के लिए कार पर सवार हुए। उसी समय पीछे कन्हैया, संकेश बगल में, रमेश बैठ गए, रफीक पीछे से बाइक से आ रहा था। रास्ते में कन्हैया ने कहा कि चौरी चौरा की तरफ चलो, वहीं पर रुपए देंगे। फिर सुनसान जगह देखते ही कन्हैया ने पीछे से गमछे से गला कस दिया और रमेश ने स्टीयरिंग संभाल कर गाड़ी बंद कर दी। रफीक पीछे से चाकू लेकर आया और कन्हैया ने गर्दन काट कर सब को फेंक दिया। फिर सब गाड़ी से गुलहरिया पहुंचे और वहीं पर गाड़ी छोड़कर अपने अपने घर चले गए और कन्हैया अपने मित्र के साथ फरार हो गया। कन्हैया की तलाश की जा रही है। खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ चौरी चौरा कपिल देव मिश्रा भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, जैसे आप लोग अवगत हैं, कल थाना चोरी चौरा में लगभग 2:30-3 बजे के करीब एक लाश मिली थी। लाश के गले पर चोट के निशान थे। इसके बारे में इसी दौरान जो है मृतक पक्ष के लोग वहाँ पहुँचे हुए थे चिलुआताल थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए। इस सूचना पर एसएचओ चिलुआताल को ये चीज़ स्ट्राइक की तो उन्होंने इसकी शिनाख्त के लिए चोरी चौरा भेज दिया। चोरी चौरा में इस व्यक्ति की शिनाख्त उसके परिवार वालों ने की। ये इंद्राशन निषाद था, संझाई गांव का रहने वाला। ये संझाई गांव मोहरीपुर के पास में ही है, चिलुआताल थाने में। शिनाख्त के बाद गुलरिया पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम द्वारा इस मामले में बहुत त्वरित और सघनता से लग गए लोग। तो ये प्रकाश में आया कि इस घटना में कुल 5 अभियुक्त थे, जिनमें से 4 को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। और स्पेशली इस प्रकरण में जनपद की क्राइम ब्रांच टीम का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कि इस घटना का अनावरण 24 घंटे से भी कम अवधि में हुआ और 5 में से 4 अभियुक्त जो है गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इसमें जो है बरामदगी भी हम लोगों द्वारा की गई है। मृतक का जो है चैन, आधार कार्ड, उसका एटीएम कार्ड, घटना में जो स्विफ्ट कार खैर मृतक की है, उसको झांसा देके वहाँ मोहतरमा महाराज में बुलाया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और
इसके अलावा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई है और जेल भेजा जा रहा है। हत्या की वजह ये थी कि कन्हैया और मृतक आपस में मित्र थे। 15 लाख रुपए की टाइल्स जो है दिलवाई थी गुजरात से मंटू इंद्रासन ने कन्हैया को, और उन टाइल्स के बदले में 15 लाख रुपए ये मांगता था बार बार, क्योंकि इससे तगादा जो है गुजरात की पार्टी करती थी तो वो पैसा न देना पड़े, इसके लिए कन्हैया ने और एक रमेश नाम का व्यक्ति है वो भी मुख्य अभियुक्त है जो कन्हैया का दोस्त है, इन दोनों ने साजिश करके अपने अन्य सहयोगियों की सहायता से उसको पैसा देने के लिए बुलवाया कि आओ जाए, ये कन्हैया है, इसकी नौतनवा में टाइल्स की दुकान है, तो वहाँ पर बुलवाया कि आओ तुमको पैसा देंगे, और फिर उसको ले जाके पैसा देने के बहाने उसको घुमाते रहे कि चोरी चौरा में पैसा मिलेगा। चोरी चौरा में आप लोग जान रहे हैं कि वहाँ ले जाके इन सब ने उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया और फिर लाश फेंक के भाग गए।